श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में एक और हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। आरोपी आफताब को ड्रग्स की लत थी, ये बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे के चलते आरोपी आफताब श्रद्धा के साथ आए दिन मारपीट करता था। मर्डर वाले दिन यानी कि 18 मई को भी आफताब ड्रग्स के नशे में था और मर्डर वाले दिन घर खर्च को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब को देहरादून भी लेकर जा सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स को देहरादून में फेंकने की बात कबूली है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, पता लगा है कि जो आरोपी आफताब है, जो श्रद्धा का इस वक्त मर्डर बताया जा रहा है, उसे ड्रग्स लेने की लत थी। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, दो बड़ी बातें सामने आई हैं, एक है कि एडिक्शन था आफताब को और दूसरी बात है कि जो कुछ बॉडी पार्ट्स को देहरादून तक ले जाकर फेंका गया। देखिए बिल्कुल अमित, जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमें अहम जानकारी मिली है। आफताब ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये गांजा लेने की इसे लत थी, गांजे से भरी सिगरेट ये लगातार पिछले कई सालों से पी रहा है और इस तरह की बातें मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों ने भी बताई है। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि ये पिछले कई सालों से गांजा पीता था, जिसको लेकर श्रद्धा इसे टोका भी करती थी। कई बार इनका गांजे की सिगरेट को लेकर झगड़ा भी हुआ था, श्रद्धा इसे टोका करती थी कि वो गांजा ना पिए। और सूत्र ये बता रहे हैं, इसने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि कत्ल के दिन यानी कि 18 मई की रात को, 18 मई को सुबह से इनका झगड़ा हो रहा था कि घर का खर्चा कौन चलाएगा और मुंबई में इनका कुछ सामान है उसे दिल्ली लेकर कौन आएगा। इस चीज को लेकर इनका झगड़ा चल रहा था। जब इनका झगड़ा शुरू हुआ उसके बाद आफताब घर से बाहर निकल गया, छतरपुर का जो इनका छतरपुर पहाड़ी इलाके में जो फ्लैट है D93, वहां से बाहर वो कहीं चला गया। फिर वो वापस आया गांजे की सिगरेट पी के और आकर इनका झगड़ा फिर से हुआ और उसके बाद करीब 9 से 10 बजे के बीच में आफताब ने श्रद्धा का गला दबाया, उसकी मारपीट की। और वो ये बात कह रहा है पूछताछ में कि वो नशे में था गांजे के और उसे ये नहीं पता लगा कि उसने कितना ज्यादा कितनी देर तक श्रद्धा का गला दबाकर रखा और अचानक से श्रद्धा ने सांस लेना बंद कर दिया। ये दलील दे रहा है कि ये मारना नहीं चाहता था, ये गांजे के नशे में था और इसे गला दबाकर रखा जिसके बाद श्रद्धा को सांस। बहरहाल बहुत सारे चीजें सामने आ चुकी है, लेकिन क्योंकि अब कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है तो नार्को टेस्ट से भी कई सारी चीजें साफ हो जाएंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट करवाने की भी इजाजत मिल गई है। अब दिल्ली पुलिस उसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच श्रद्धा की एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि आफताब अक्सर श्रद्धा के साथ मारपीट किया करता था। साल 2020 में आफताब ने श्रद्धा को इतना पीटा था कि उसे 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और उस दौरान श्रद्धा की एक फोटो भी सामने आई है। फोटो में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। अस्पताल की ये मेडिकल रिपोर्ट 3 दिसंबर 2020 की है, जिस दिन श्रद्धा को भर्ती होना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द था, उसकी गर्दन जाम हो गई थी और उसके दोनों पैर भी सुन्न हो गए थे। श्रद्धा के मर्डर और आफताब की हैवानियत से सकते में आया देश अब गुस्से में उबल रहा है। आफताब के लिए सीधे फांसी की मांग हो रही है। इस विभत्स मर्डर केस की सच्चाई जैसे जैसे सामने आ रही है, लोगों का गुस्सा उतनी ही तेजी से बाहर आ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक श्रद्धा के लिए प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, तो आफताब के लिए फांसी का तख्ता मांगा जा रहा है। पब्लिक जल्द से जल्द इंसाफ चाहती है। लोग इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि जो बातें सामने आ रही है वो बता रही है कि आफताब को मारपीट करने की आदत थी, वो कई बार श्रद्धा को पीट चुका था और इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है और वो सबूत है
श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट। साल 2020 की ये मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि आफताब श्रद्धा को इस कदर पीटा करता था कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पहले श्रद्धा की ये फोटो देखिए, दोनों आंखों के बीच में, गालों पर हर जगह चोट के निशान हैं। इसके अलावा अस्पताल की रिपोर्ट का पेज नंबर 4 सारी कहानी बयान कर रहा है। सबसे पहले देखिए 3 दिसंबर 2020 दोपहर 12:18, ये एडमिशन की तारीख है। श्रद्धा को इस कदर पीटा गया कि उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसे बार बार उल्टियां करने का मन कर रहा था, वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रही थी, उसकी गर्दन जाम हो चुकी थी। पिटाई की वजह से उसके दोनों पैर सुन्न हो गए थे। अस्पताल में दाखिले के वक्त श्रद्धा ने बताया कि ये दर्द पिछले 4-5 दिनों से है, यानी पिटाई के 5 दिन बाद श्रद्धा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अस्पताल आई। 3 दिन तक श्रद्धा अस्पताल में भर्ती रही, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी, राहत के लिए फिजियोथेरेपी तक करवानी पड़ी। इसके बावजूद श्रद्धा ने आफताब पर इतना भरोसा किया कि उसके लिए अपना घर छोड़ दिया, और आफताब ने श्रद्धा के साथ जो किया उससे यह समाज सन्न है और पुलिस हैरान, क्योंकि उसके लिए सबूत जुटाना बड़ी चुनौती बन गई है। आफताब फिर से 5 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में तो आ गया, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। आफताब का पूरा सच और सबूतों का सुराग तलाशने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। आफताब ने भी इसके लिए इनकार नहीं किया। एक्सपर्ट के मुताबिक नार्को टेस्ट के लिए सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल जैसी दवाएं दी जाती हैं। ये एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसमें आरोपी न पूरी तरह होश में होता है और न ही बेहोश। नार्को टेस्ट के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी शख्स के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। गहरी नींद जैसी हालत में अपराधी से पूरी घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है। नार्को टेस्ट के दौरान डॉक्टर की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है। इस दौरान आरोपी द्वारा किए गए खुलासे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। हमारे देश में स्टैम्प घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी और मुंबई पर हमला करने वाले आतंकी अजमल आमिर कसाब के नार्को टेस्ट से जांच को नई दिशा मिली थी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस मेहरौली के जंगलों की खाक छान चुकी है, क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, लेकिन अभी जांच लंबी चलेगी। नार्को के साथ साथ अगले 4 दिनों में पुलिस आफताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, क्योंकि आफताब मुंबई से दिल्ली आने के बाद श्रद्धा को इन जगहों पर लेकर गया था। यह श्रद्धा का संभवतः मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। 4 मई यानी श्रद्धा के मर्डर से 14 दिन पहले ये वीडियो बनाने वाला शख्स आफताब पूना वाला ही है। इसी साल मार्च के महीने में दोनों ने आपसी झगड़े खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया और दोनों ने लंबी छुट्टी मनाने का प्लान बनाया, हिमाचल और उत्तराखंड के ट्रिप्स भी लगाए। ऋषिकेश में ही श्रद्धा ने ये इंस्टा रील भी बनाई थी जो उसने 4 मई को अपने अकाउंट पर पोस्ट की। पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसे हिमाचल में मेहरौली का एक शख्स मिला था, उसी ने आफताब को किराए पर रहने के लिए घर दिलवाया। दिल्ली पुलिस इन लोकेशंस पर भी जाने की तैयारी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।